हेलो गाइस, आज के वीडियो में जानेंगे आप अभी तक अपने फेसबुक अकाउंट पर कितने स्टोरी लगाए हैं, उसको कैसे देख सकते हैं, और अगर आप उसको गलेम जो है सेव करना चाहते हैं तो गलेम सेव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अपने फेसबुक अकाउंट को जब से बनाया था तब से लेकर आज तक आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर कितने स्टोरी लगा चुके हैं उसको भी देख सकते हैं, और कितने स्टोरी आपने लगाया उसको देखने के साथ आप उसको गलेम भी सेव कर सकते हैं। तो कैसे देखेंगे और कैसे गलेम सेव करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल आइकन देगा, सिंपली आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करने में यहाँ पर आपको जो फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखेगा, सिंपली आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना। चलिए यहाँ पर हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं। अब थ्री डॉट पर क्लिक करने में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पर आर्चीव का, सिंपली आपको आर्चीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है स्टोरी आर्चीव का, सिंपली आपको स्टोरी आर्चीव पर क्लिक करना है। स्टोरी आर्चीव पर क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर जितने भी स्टोरी लगाए होंगे यहाँ पर सभी स्टोरी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना जब से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है तब से लेकर आज तक कितनी स्टोरी लगाए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, और अगर इसको गैलरी में सेव करना चाहूँ तो मैं गैलरी भी सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इतने सारे जो स्टोरी अभी तक मैंने लगा चुका हूँ, और यहाँ पर अभी लोडिंग भी ले रहा है, और सारी स्टोरी अभी यहाँ पर देख सकते हैं और भी आपको स्टोरी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको गैलरी में सेव कैसे करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको फिर से स्टोरी में भी लगा सकते हैं, गैलरी में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस स्टोरी को अगर आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं आपको क्या करना है, उसी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये वाली स्टोरी है, अगर इसको हमें गैलरी में सेव करना है तो क्या करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि आपके स्टोरी को कितने लोगों ने देखा था। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी का नाम आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने कि आपके स्टोरी को कितने लोगों ने देखा था, ठीक है। यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। और अगर आप इसको फिर से स्टोरी में लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से जो है शेयर टू स्टोरी पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी स्टोरी में जो है शेयर हो जाएगा, फिर से आपके फेसबुक स्टोरी में लग जाएगा। बट अभी हमें यहाँ पर स्टोरी में नहीं लगाना है, ठीक है, फेसबुक स्टोरी में नहीं लगाना है, हमें इसको गैलरी में सेव करना है, ठीक है। तो गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, प्राइवेसी और सेव का। तो सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है सेव का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने में दीजिए आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको जो है यहाँ पर गैलरी भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ, जो हमने सेव किया था वो गैलरी में भी सेव हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी में सेव हो चुका है, और यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ ओपन करके। यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक के साथ में सेव हुआ, ठीक है। मैंने फेसबुक की स्टोरी में फोटो के साथ म्यूजिक लगा था, तो म्यूजिक के साथ सेव हुआ। तो इस तरीके से अभी तक आपने फेसबुक पर कितने स्टोरी लगा उसको देख सकते हैं, और अगर आप उसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं गैलरी में सेव कर सकते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आगे से हमारे किसी वीडियो को आप ना ही देख पाएंगे, और ना ही आपके किसी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और जो उसके बगल में घंटा दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लें।